स्किल डेवलपमेंट को अपना आप सीखता नहीं है। तब बाहर से लोग बिजनेस कम्युनिटी लोग आता है, जो हमारा लोग बोलता है कि यूथ लोग, हमारा आदमी लोग, जैसे उन लोग में ऐसे हमारा आईमा में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मार्केट प्रेसिडेंट बन के मार्केट को साफ करो, वो नहीं। हर कैपिटल कैसे सुंदर हो ये सोचना पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी का घर घर दौड़ के हर एक शोरूम में घुस के हमको बताना पड़ेगा कि मेरा आइडियोलॉजी को, हम इस दुनिया में आया है तो कुछ दिन का मेहमान है, दारू का दुकान लगा देता है, मेन रोड में मीट मछली टंगा देता है, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक हाइजीनिक जगह में रखना है, ब्रिज सिस्टम बनाना है ताकि वहाँ से। अब टीवी में आपका स्वागत है, मैं अरुणाचल प्रदेश के अपने ईटानगर स्टूडियो में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्स हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एक जाने माने बिजनेसमैन है, अरुणाचल प्रदेश के लोकल हैं और युवा हैं। युवा टाटुंग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे इशू चल रहे हैं, बहुत सारे चुनाव होते रहते हैं, कभी किसी छात्र स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होता है तो कभी विधानसभा चुनाव होता है तो कभी मार्केट एसोसिएशन का भी चुनाव होता रहता है। आप बिजनेसमैन हैं और हमने मार्केट को चीज़ को लेके काफ़ी कुछ सवाल को कलेक्ट किया हो, तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना किसी युवा को बुलाया जाए और उनसे बैठ के डिस्कस किया जाए कि जो लोगों की समस्या है वो उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो उसके लिए मुझे लगा कि सबसे परफेक्ट आप हैं, क्योंकि बड़ा सा शोरूम आपका दिखाई पड़ रहा है और युवा भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा जो सवाल था, क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है कि अभी मार्केट एसोसिएशन जो आपका चुनाव होने वाला है, मार्केट का ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारा पोस्टर हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। जी जी। आपको क्या लगता है कि जो मार्केट का लोग होता है या जो मार्केट के दुकानदार होते हैं या जो कस्टमर होते हैं मार्केट में जो जाते रहते हैं, उनका बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है? क्या कभी आपने इस चीज को सोचा? नहीं, उसके का सिलसिले में मैं आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप मुझे याद किया है, इन्वाइट किया है कि आपने इतना दूर से हमारा जो राजधानी ईटानगर में इतना सुंदर सा ऑफिस बना के आप हर एक क्षेत्र में, हर एक ज़िले में, हर एक कॉलोनी में पहुँच के जो अरुणाचल का जो समाज का जो हित के लिए आपने मीडिया चैनल चला रहे, आपका जो ये छोटा सा स्टूडियो में मुझे याद किया, मैं आपको ही थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ के लोकल होने के नाते। ये बात आपने जो सवाल किया है, क्योंकि हमारा लोग यहाँ हर एक इलेक्शन होते हैं या स्टूडेंट या एनजीओ या जो भी हो विधानसभा लोकसभा, उसको फेस्टिवल का नाते हम लोग को मनाते हैं। हाँ। एक सुंदरता से हम लोग मानता है जी, लेकिन ये जो मार्केट का जो इलेक्शन है उन लोग से हट के अलग है। किस लिए अलग है बोलने से, ये अरुणाचल प्रदेश का राजधानी का ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का जो प्लेटफॉर्म है, ये सबसे हम लोग का जो कैपिटल का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का पोस्ट है। यहाँ आज कुछ कुछ लोग इलेक्शन का जो वेन्यू को दिखलाने का अपना आप मन मर्जी से पोस्टर बांट रहा है, ये गलत है। हम लोग ने हर एक प्लेटफॉर्म को एक लीडर को चुनता है, अपना हम लोग जनता चुनता है, उनका जो गाइडेंस में इलेक्शन बनते हैं जी, उनका गाइडेंस में जो है सिस्टम को बनाता है। जब वो इलेक्शन का जो डेट आएगा, जब उनका जो मैनिफेस्टो को लेके कैपिटल का जो हित के लिए और कैपिटल का सुंदरता के लिए जब उन लोग जो बिनोपेक्ष करेगा, तब हम लोग पार्टिसिपेंट किया जाएगा। जो आज जो भी हो एक सिस्टम होता है, सिस्टम का हिसाब से चलेगा। एक हमने भी सिस्टम देखा, सिस्टम नहीं देखा ऐसा बोलेंगे उसको, क्या हो रहा है कि बहुत सारे जगह में आप जाते होंगे, बाहर भी जाते होंगे हम लोग, आप दूसरे स्टेट में भी जाते रहते हैं, हमने कई बार देखा भी आपको, क्या होता है कि जो दुकानदार लोग होते हैं उनको उतना पार्किंग स्पेस नहीं मिल पा रहा है। आप बाहर में देखते होंगे उनको मिलता, बट यहाँ में ऐसा नहीं हो रहा है। कस्टमर क्या होता है कि कोई भी कस्टमर आता है तो नॉर्मल सी बातें हैं, हर कोई गाड़ी यूज करता है और अच्छी बात यूज करना चाहिए, उसको पार्किंग का समस्या बहुत ज़्यादा है, वो अपना पार्क नहीं कर पाता है। तो अगर वो पार्किंग नहीं कर पाएगा तो रुकेगा, क्योंकि हाईवे पे तो गाड़ी नहीं खड़ा करेगा ना, हाईवे खड़ा करने का तो उसका गाड़ी पुलिस जो लॉक कर देगा, तो वो और दूसरा कहीं जगह जाने के पास उसके पास पार्किंग का स्पेस नहीं है। तो क्या जो मार्केट का एसोसिएशन आपका है, आप लोगों का, जैसे आप भी दुकान चलाते रहते हैं, आपका बड़ा शोरूम है तो आप चीज़ को तो महसूस करते होंगे, वैसे आपके पास तो है, तो क्या कस्टमर लोग इस चीज़ को लेकर कभी मैसेज नहीं करते कि सर पार्किंग का प्रॉब्लम आ रहा, या हम लोग पार्किंग दूर करके आना पड़ता है तो वहाँ से पैदल आने में दिक्कत, क्योंकि उससे नुकसान भी होता रहता है ना, उस चीज़ को कभी आपने महसूस किया? नहीं, उसके लिए मैंने आज उसके लिए हमको मार्केट में जो हम लोग जो जिस फील्ड में घूमता है, जैसे कि हमने आज दुकान खोला है, हमको मार्केट का चीज़ को समझने में हमको 1-2 साल लगा है, लेकिन हमको समझना, जैसे कि आप जर्नलिस्ट में है, जर्नलिस्ट का क्या है, उसका रोल मॉडल क्या आप जानेगा,
हम लोग का यहाँ कैसे है, जो जिस मार्केट लाइन में नहीं है वो लीडर उठता है, जो वो जो है क्लेम करता है कि मार्केट के लिए नहीं सोचता है। तो हमने उसमें स्पेशली मैंने ऑब्जर्वर किया कि मैं कई सिटी में भी घुमा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा है हमारा लोग हर कोई सिविल सोसाइटी लोग है, राजधानी में रहते हैं। जी जी। लेकिन हमको घर बनाने में है, मकान को किराया करने में हमको सोसाइटी जो है अपना आप जो जैसे कि हम लोग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है उन लोग से हम लोग जो है बिल्डिंग परमिट निकाल के टाउन प्लानिंग से उनका ऐसा प्लान का हिसाब से सेट करेगा, जब पार्किंग कैसे होगा, बिल्डिंग कैसे बनाया जाएगा, उसके बाद उस मैप से बनाएगा तो रोड का कम्युनिकेशन जो है सही रहेगा। हमारा यहाँ सिविल सोसाइटी लोग यहाँ कैपिटल में रहता जरूर है, लेकिन बनाने समय में मर्जी उठा लेता है, लेकिन सिस्टम जो नहीं होने का वजह से क्या होता है कि हमारा जो लोकेलिटी जो है स्किल डेवलपमेंट को अपना आप सीखता नहीं है। तब बाहर से लोग बिजनेस कम्युनिटी लोग आता है, जो हमारा लोग बोलता है कि यूथ लोग हमारा आदमी लोग हम लोग को लोकल को करना चाहिए बोल के यहाँ ऐसा करके, जब हमका सिस्टम को करेक्ट करने के लिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ का टाउन प्लानिंग, यहाँ का गवर्नमेंट जो हम लोग को सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जब मार्केट जो है थोड़ा फ्लो होगा। तो ऐसा नहीं होने का वजह से मार्केट जो है सही नहीं होने का वजह से, सेटअप सही नहीं होने का वजह से हमारा लोग मार्केट में बहुत ट्रैफिक का जो है हम लोग का जूझना पड़ रहा है। अभी का जो मार्केट के प्रेसिडेंट है उनको लेके कैसे आप देख रहे हैं, क्या उनका जो कार्यकाल रहा है, जो अभी वर्किंग चल रहा है काम उनका? नहीं, हम तो थोड़ा पहले भी मैंने कहा कि आज का जो लीडर है टीम हमारा जो है तकम दादो ताजो को हमारा बड़ा भैया, वो एक बार बन चुका है, इस बार भी बना है टू टर्म से, वो काफी यहाँ का कैपिटल के लिए सोचता है, यहाँ का हित के लिए सोचता है, इसलिए उनको दो बार बनाया, उनको हमने लीडर बनाया। उनका टेन्योर में उनका सिस्टम का साथ टेन्योर खत्म होने के बाद जब इलेक्शन का घोषणा होगा तब मैंने भी सोचा है कि इस इलेक्शन में हम लोग जो भी हो उनने इलेक्शन बनाएगा, चाहे एक साल का बाद बनाओ या दो साल का बनाओ या कल बनाओ, लेकिन उनका थ्रू से बन के सिस्टम का साथ में हम लोग इलेक्शन को पार्टिसिपेंट हम लोग जो है फेस्टिवल कतरा। जब मार्केट जो है यहाँ कैपिटल में देखिए आपको भी पता है कि राजधानी ईटानगर जब यहाँ का जो डील जब ठीक होगा, सारा अरुणाचल या सिविल सेक्रेटरी यहाँ है, गवर्नर यहाँ है, हमारा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव यहाँ है, हमारा जो कंसर्न मिनिस्टर यहाँ है, यहाँ जो खान पैन यहाँ का हर चीज साफ सुथर होगा, लोगों का मेंटलिटी जो हाइजीनिक होगा जी जी, तब हमारा प्रदेश के लिए अरुणाचल के लिए ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे उन लोग में ऐसे हमारा आईमा में भी होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा, तो हम भी क्या चीज को मान के चले कि इस बार जो मेरे साथ में यूथ बैठा हुआ युवा बैठा हुआ मार्केट प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे? देखिए मैं तो जैसे कि आप भी पार्ट ऑफ मार्केट का अंदर में शोरूम ऑफिस खोल के बैठा हुआ हूँ, आप भी मार्केट के लिए सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम मार्केट प्रेसिडेंट बन के मार्केट को साफ करना, वो नहीं है। हर कोई व्यक्ति को मार्केट को ईटानगर का कैपिटल कैसे सुंदर हो ये सोचना पड़ेगा। हम लीडर जरूर होगा, हम लीडर में हम उतने से नहीं होगा, जनता का बात, मार्केट हर एक बिजनेस कम्युनिटी का घर घर दौड़ के हर एक शोरूम में घुस के हमको बताना पड़ेगा कि मेरा आइडियोलॉजी को, हम इस दुनिया में आया है तो कुछ दिन का मेहमान है, लेकिन समाज के लिए अरुणाचल का या इंडिया का जा या बेनिफिट को हम लाभदायक होता के खा पी रहे हैं, समाज के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कि जो एक मार्केट प्रेसिडेंट होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है मार्केट को लेके? मार्केट का जो बेसिकली हम लोग जो है सरकार का जैसे स्कीम देगा वो नहीं है, मार्केट का जो है सरकार का जो जो हम लोग का जो सरकार क्या पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है, सरकार जो किस बेसिस में जनता का हित के लिए बना उसको हम लोग जो है हर माँ बाप को हर कोई सब्जी वाला को समझा के हम लोग को सरकार ये योजना बनाया ये स्कीम बनाया उस चीज को बेसिक बना के, जैसे कि हमारा लोग बाहर से स्टेट से हमारा टूरिस्ट आता है, कोई लोग मीट खाने वाला लोग है, कोई लोग नहीं खाने वाला, मार्केट में डायरेक्ट मेन रोड का सामने में दारू का दुकान लगा देता है, मेन रोड में मीट मछली टंगा देता है, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक हाइजीनिक जगह में रखना है, फ्रिज सिस्टम बनाना है ताकि वहां से कोई उसको जो है पोल्यूशन से बचना है। आदमी किस लिए खाता पीता है, किस लिए इस दुनिया में जीता है, हाइजीनिक खाना चाहिए। तो ये जो है विचारधारा को हम अवेयरनेस दे रहे, ये मार्केट का रोल होता है। हम या किसी को फाइटिंग करने के लिए या सरकार को, हम सरकार हर कोई सरकार का गाइडेंस में है, उसको इम्प्लीमेंट लेके आके
हमारा मार्केट का हित के लिए हमको काम करना है, ये मार्केट का जो आइडियोलॉजी है, मार्केट का रोल मॉडल ऐसा है। मैंने इस चीज को भी देखा था, मैंने कई बार कई लोगों से सुना भी था, इसीलिए मैंने आपको चीज को सोचा कि बुलाएंगे। कभी कभी आपका टीम, आप लोग भी जाते रहते हैं दुकान पे, जैसे चीज को देखा भी था कि आपने एक दो बार चीज का कई लोगों को समझाया भी था, छोटा छोटा बच्चा जो रोता है उनको शराब नहीं देना है, वो चीज को नहीं देना है, बाकी बहुत सारी दवा होती है आपने कहा भी था कि डॉक्टर लोग जब तक रिकमेंडेड ना करें तब तक उस चीज को मत दीजिए, ये आप सबका एक आपका मिशन था, इस चीज को हमने देखा हुआ था। नहीं, उसमें आपने अच्छा याद दिलाया कि मैंने बहुत सारा मेरा जो पेज में भी हम हमेशा एक अवेयरनेस देता है कि सिस्टम ऐसा है कि कुछ कुछ छोटा बेटा लोग बेटी लोग नहीं जान के कि ये चीज क्या है, किस चीज में यूज करना है। जैसे कि हमारा जो हर मैं भी एक फार्मेसी खोल के रखा हूँ कि यहाँ ऐसा है कि हम लोग जो है जो जब तक डॉक्टर काउंसलिंग नहीं करेगा हम लोग जहाँ तक दवाई खा लेता है उसमें क्या होगा कि किडनी का कुछ कुछ का ये अपना जो डिमेज का इंटरनल चीज को डिमेज हो जाता है। जब काउंसलिंग डॉक्टर से काउंसलिंग होने से क्या हो गया कि हम लोग को पादर ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, अगर हमारा लिए अगर कमियाँ हुआ तो डॉक्टर से हम लोग रेस्पॉन्सिबल, उसे हायर डॉक्टर से ये लिख दिया तो ये कहा तो ये हमको रिएक्शन हुआ। एक सिस्टम होता है, ये सिस्टम को जनता और हम लोग जो है जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, हम सरकार से बोलते रहने से ब्लेम डॉक्टर रहने से नहीं होगा। हम हर कोई सिविल सोसाइटी को जागरूक होना चाहिए कि कहाँ में वो इन सबको रखना है, कहाँ में हार्डवेयर को रखना है, कहाँ में मेडिसिन लाइन को रखना है, उस बेसिस में रखेगा ट्रैफिक का जो मसला जो थोड़ा कम होगा, ये हमारा मानना है। और जैसे कि प्लम्बर का आइटम हो गया, जैसे कि हमारा जो कुछ कुछ चीज हो कि घर के लिए यूज करता है उसको छोटा बहन भाई लोग गलत तरीका से यूज करता है उसको सेल आउट नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट का गाइडलाइन को लेके मार्केट वेलफेयर कमेटी का हो ऐसा अवेयरनेस, हमारा टीम अभी का टीम जो है बहुत सुंदरता से निभा रहा है, तो उनका चलते कल को आने वाला समय में कैसे इलेक्शन का करेगा उस हिसाब से हम लोग मान के, अगर हमारा यार मार्केट का कम्युनिटी का लोग हमको बोलेगा कि आप यहाँ लोकेलिटी हो कि हमको बहुत लोग भी अप्रिशिएट हुआ है क्योंकि आप कि आप लोग भी इस मार्केट में फील्ड में उतर है, हमको अच्छा हमको एक बढ़ावा भी मिला है, हम भी इस ट्रेंड में मैं अभी तक चल रहा हूँ छोटा सा ट्रेंड में। चीज को हम लोग भी काफी देखते रहते हैं, नोटिस भी करते रहते हैं, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलता रहता है क्योंकि एक वो आपने चीज को सुना होगा ना कि हम लोग जो बार बार बोलते रहते हैं खासकर कैपिटल वाले लोग जो नेशनल कैपिटल है उसमें कहा जाता है कि युवा शक्ति की बल पौरुड़ पर स्वयं स्वराज्य बदलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो अगर मार्केट एसोसिएशन का जो चीजें हैं अगर किसी युवा को दिया जाएगा तो वो अपने जो चीजें हैं ना अपने सही तरीके से उसको इस्तेमाल करेगा। एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन अगर युवा जो लोग अच्छा जो कुछ करना चाहता है उनके पास काफी कुछ उम्र होता है तो बहुत कुछ चीजें कर भी सकते हैं और बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम लोग क्या होता है चीज को महसूस करते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है सही हो रहा है, ऑब्जर्व करना उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। बाकी सर का जो एक सवाल था मांस वाला आप मीट वाला, आप उसको देखते होंगे रोड पे, आप कहीं भी जाएंगे किसी जगह, इवन हमने यहाँ का जो वीआईपी इलाका देखा है, आपको भी पता आपने भी कुछ वीआईपी इलाका देखा होगा शायद। अच्छा अच्छा अगर हम लोग बात करें नीति विहार साइड का, साइड में ऐसे पता ही नहीं चलता कि वो मतलब वीआईपी इलाका है या नॉर्मल कोई मीट का बाजार है, ये क्या है ये सब चीज को लेके। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो सिस्टम है उनको भी तो चीज को आवाज उठाना चाहिए ना, क्योंकि मार्केट कोई जो आपका प्रेसिडेंट हो गया वो कोई गवर्नर तो नहीं हो गया कि वो जाके उस चीज को खत्म कर देगा, वो तो जस्ट एक अपना डिपार्टमेंट को ही सूचित करेगा ना। और मार्केट के जो लोग चुनते हैं प्रेसिडेंट को चुनते हैं इसीलिए चुनते हैं कि हर कोई चीज को डिपार्टमेंट तक ना पहुंचा पाए तो अपना जो सीनियर होता है उसको रिकमेंडेड करते हैं कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है या कस्टमर का ऐसा डिमांड है, वो चाहता है कि हमको पार्किंग का स्पेस मिले या वो चाहता है कि हमको जो मीट खा रहा है अच्छा मीट मिले, खराब मीट ना हो, क्योंकि गलत वाला भी तो यूज कर देते होंगे। तो वहां आप चीज को कभी जाते होंगे तो देखते होंगे तो आसपास का जो माहौल कैसे उसको महसूस कर रहे हैं, खासकर कैपिटल में वो भी एकदम सेफ जगह जो सबसे अच्छा जगह है। देखिए उसमें हम लोग का जो हर कोई एक सिस्टम जो है थोड़ा पिलर है, उसमें क्या होगा कि जैसे कि आज का दिन में हमारा जो डिपार्टमेंट लोग डिपार्टमेंट एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जैसे हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट जो एक्टिविटी को करना है तो टाउन प्लानिंग से आप प्लान को देखने देना है, आप ये किस सेटअप करने से कितना दिन टिकेगा कितना साल टिकेगा तो उसका तो सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कौन कंट्रोल करता है, यहाँ का जो कैपिटल का डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव, इस तरह का हर चीज अगर कोई अगर सरकार से लिंक है कोई एक सिस्टम से लिंक है कहीं में भी बिल्डिंग करा कर लेता है कहीं में भी। और अच्छा जैसे कि हमारा जो सीएम साहब का और कंसर्न मिनिस्टर का जो
उन लोग का जो इलाका है, आप उस डीटी बिहार होके उस साइड राइट साइड लेफ्ट साइड होके उन लोग का इलाका देखिए, उनका सामने में छोटा छोटा बहन लोग लॉज बना के क्या बना के सुबह शाम लोग का पी के देख रहा है। जब VIP जब थ्रू होता है या मीट मछली हुआ पका रहा है, VIP थ्रू होता है, कोई भी पाके या मिसबिहेव करेगा या जो भी वो करेगा उसके लिए एक शक्ति सुरक्षा नहीं है, तो क्या होगा कि अरुणाचल का जो लोग को कौन संभाल, यहाँ का लेजिस्लेटिव, यहाँ का CM, उनका ही जगह में इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनका ही जगह में वो जो है मीट मछली बजर जो है, जब CM बंगला का जाते थे वहाँ पब्लिक आराम से सुबह शाम उन लोग का जैसे CM गुजरता हमारा लोग भी वहाँ गुजरा, ये कहीं ना कहीं हम लोग सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं करने का वजह से। तो उम्मीद करेंगे अगर आप इस कुछ चीज़ को आते हैं तो कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमको सरकार का जो बेनिफिट को, समाज का बेनिफिट को, हम उसको समाज का साथ में या जनता का साथ में हम आवास बन के हम लोग का जो वेलफेयर जो कर सकते हैं, हम तो ऑर्डर नहीं दे सकता। अच्छा एक चीज़ ठीक है, आपने ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप जेंट्स हैं लेकिन क्या होता है कि हम लोग जेंट्स तो नॉर्मली कहीं अगर हम लोग को यूरिन या कुछ भी चीज़ें होता है तो यूजली हम लोग कर लेते हैं, वैसे गलत है, लेकिन खासकर महिलाओं के साथ बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि महिला सुरक्षा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट में हम लोग पूरा घूमते हैं, टॉयलेट जो होता है ना गवर्नमेंट का वो बहुत कम है, मतलब एक दो हैं वो भी लॉक वाले होते हैं और कुछ जगह होते हैं तो एकदम इतना गंदा होता है कि उसका कोई वो नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या कभी कस्टमर आता होगा, होता ना अमूलन की बहुत यूरिन लगा, हर कोई लगा होता है भाई, नॉर्मल सी बात है, तो नेचुरल है, इसमें कुछ नहीं है, तो तरह तरह का चीज़ें मिलता रहता है, तो उनको आसपास नहीं मिल पाता तो दिक्कत होता होगा। आप लोग भी सोचते होंगे काश यहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा चीज़ को अप्रूवल करता है ना, सेंट्रल भी फंड देता है, बहुत सारी चीज़ देता रहता है, बट उसका इम्प्लीमेंट उतना नहीं दिखाई पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि होना चाहिए ये सब चीज़ें? उसके लिए मैंने थोड़ा पहले भी कहा कि यहाँ जो कैपिटल में जो रहता है, देखिए हमारा यहाँ स्पेशली जो लैंड का बात करेगा कैपिटल रीजन में, जो सरकारी का जो क्वार्टर है सरकारी ही ऑफिसर लोग कब्जा कर लिया, उन लोग के हड़प कर लिया, तो जनता जो इम्प्लीमेंट जो है गवर्नमेंट का फ्लेक्सी प्रोग्राम मेन मार्केट में छोटा से कमरा बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रहा, हर कोई स्टाफ जो है जिस उसका फैमिली बाल बच्चा सब कुछ उस धर्मा से चल रहा है, उसका ही इंस्टीट्यूशन जो उस इंस्टीट्यूशन से फैमिली पाल रहा है, उसका गवर्नमेंट का जो क्वार्टर को छीन रहा है। यह मसला ऐसा है कि गवर्नमेंट का फ्लेक्सी प्रोग्राम देता जरूर है लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए जमीन नहीं है, उसके लिए यहाँ लोकल जो हमारा सीनियर मोस्ट MLA है विधायक तक्षक एसोसिएशन से भी हमने बहुत बार सीनियर सिटीजन से अपील किया है कि यहाँ जो है टाउन जो प्लानिंग को थोड़ा हम लोग जो है, सबसे पहले मैंने उस दिन भी DC साहब को भी बोला है कि जो युवा का होने का नाच है, हम लोग को सिस्टम को अपने जो अभी याद अच्छा दिला कि सिस्टम को जो कॉलोनी बनाने के लिए सिस्टम को बनाने के पहले हमको रोड कम्युनिकेशन को ठीक होना पड़ेगा कि 7x7 ने ज़्यादा ज़्यादा हम 6 मीटर देना है ताकि वो कॉलोनी में सेटअप होने का बाद आपका वहाँ में कि फायर इंसिडेंट में गाड़ी आराम से पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ आदमी चलने के लिए कॉलोनी अप्रूव कर देता है गवर्नमेंट का तरफ से, सिस्टम को वहाँ पहुँचा नहीं डायरेक्ट होगा अपना जो लोकल है यहाँ का लोग है बोल के, जब हम अपने आप सीखने की कोशिश करना पड़ेगा तब वो कॉलोनी में एक सुंदरता एक पार्क टाइप का एक खेलने उलने का एक फील दे देना है, वो जनरल होना पड़ेगा, तब हमारा लोग स्कूल बच्चा लोग बाहर से पढ़ लिख के या घर में आ जाते हैं तो वो एक दूसरे में इंटरेक्शन अच्छा से खेल उल जाए, जब वो खेलने जगह नहीं के एक बरंदा में भी अपना आप वॉल बना देते नहीं होने का, रोड के जाने के लिए पानी जाने के लिए नाला नहीं होने की वजह से घर में बच्चा लोग के TV और मोबाइल खेल के उसमें अच्छा चीज सीखने का घर खराब भी हो जाता है। अच्छा, उसके लिए सिस्टम बनाना जरूरी है। सही बोला, चलते चलते थोड़ा चीज ये भी जानना बहुत जरूरी है, ये मेरे मन साथ भी हुआ है और अमूलन शायद आपके साथ भी कभी हुआ होगा, ट्रैफिक पुलिस देखते होंगे आप, आप कहीं सामान परचेज करते उतरते हैं नॉन है तो छोड़ देता है, क्योंकि अच्छी बात भी छोड़ना भी चाहिए, वैसे रूल सबके लिए बराबर होता है, अनजान आदमी जिसको नहीं पहचान रहे होते 2 मिनट नहीं लगता गाड़ी लॉक कर देते हैं, सामान खरीदने उतरे हैं आप सामान नहीं लिए उसके पहले आपका गाड़ी लॉक हो जाता है, तो इसमें तो नुकसान किसका होगा, नुकसान तो जो आपका मार्केट वाला लोग है उनका ही लॉस होगा ना, क्योंकि अगली बार तो कोई रुकना नहीं चाहेगा ना ऐसे में। देखिए मेरा सीधा सा एक ट्रैफिक जो भी हो गवर्नमेंट का जो इम्प्लॉयज है हम उसे मैं एक इतना मेरा एक टिप्स मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब यहाँ जनता रहेगा
मार्केट सेल होगा, जनता रहेगा, रिवेन्यू आएगा, तब जाके हम लोग का जनता का जो टैक्स से उनका जेब में पैसा आता है, सैलरी आता है। जो सरकार किस लिए बनता है, सोसाइटी किस लिए बनता है, वेलफेयर किस लिए बनाता है, जनता का हित के लिए, उसके लिए हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम को अगर पार होगा तब हम लोग को लॉक करना है। हमारा यहाँ में BIP जब चलता है, सायरन बजा के पार होता है, जनता का पार नहीं, उसका वो गाड़ी का अंदर में क्या पेशेंट है, क्या बीमार है, दिल्ली बार जानता नहीं। जिसका पास जो सिस्टम का पावर वो बजा के चला जाता है, जनता का अंदर में कितना लोग मेडिकल पड़ा हुआ, उसके लिए रोड बड़ा कीजिए आप, पार्किंग का सिस्टम को बनाइए, जो बिल्डिंग जो ऑलरेडी बन चुका है उनको जो है ग्राउंड लेवल को टेल के पार्किंग बना दीजिए। तब सिस्टम को पब्लिक जब आप उसको फॉलोअप नहीं करता है तो आप लीगल में डायरेक्ट भेज दीजिए कोर्ट में, सिस्टम को तो सिखाइए। यहाँ देन लेन चलते रहेगा, वो लोग भी यहाँ पैसा एक दो रुपया दे के हम उसका भी सिस्टम को भी रेस्पेक्ट नहीं होगा और ये चलता रहेगा। अरुणाचल के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए हित होगा, बहुत खराब होगा। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे इशू को लेकर हम लोग लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, दिखाते रहते हैं, लेकिन मार्केट का जो इशू था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आए दिन लोग तरह तरह का कमेंट करते रहते हैं। पार्किंग इशू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो महिला चीज़ को लेकर जो टॉयलेट होता वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मीट को लेकर भी लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि साफ़ सुथरा सही नहीं मिल पा रहा है। तो हम उन सब टॉपिक को लेकर सर से बातचीत किए, क्योंकि क्या होता है कि जो एक युवा होता है ना, चीज़ को महसूस कर रहा होता है, और हम सर को चीज़ को बहुत दिन से फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका काम है ना बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात, शायद मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया आपको, कि कभी भी यहाँ हम चीज़ को देख रहे हैं कि कोई भी परेशान होता है ना, MLA और मिनिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मदद के लिए पहुँच जाते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई मुसीबत के दौरान फंसा हुआ है तो उसको एक उम्मीद होता है कि आप टाटुंग साहब को मैसेज कर दो, कॉल कर दो, उससे आपको थोड़ा मोड़ा मदद मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है, और मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर को लेके, कि आप लगातार यूं ही आप बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।